देश भर में काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि राज्य में हुए चुनाव ही कोरोना महामारी के बढ़ने का एकमात्र कारण है। आज मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इलेक्शन कमीशन की फटकार लगाते हुए आज मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपने जिन राज्यों में भी इलेक्शन कराए हैं वहां पे किसी भी राज्य में कोविड रेगुलेशन का पालन नहीं हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा काम किया है इन राज्यों में कि शायद हमें उनके ऑफिसर्स के खिलाफ मर्डर का केस करना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये बोला कि क्या आप सो रहे थे? क्या आप किसी और प्लैनेट में थे जब इन सभी राज्यों में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, जहां इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना, किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कही और सैनिटाइजर्स का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इस सब का जिम्मेदार, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है और ये बोला है कि 30 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन एक प्लान बनाए और कोर्ट के सामने वो प्लान रखे जिसके तहत 2 मई की काउंटिंग कोविड रेगुलेशंस के पालन होते हुए ही की जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि वो राज्य में हुए इलेक्शन के काउंटिंग को रोक देगा।